आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th का मैथ्स जो कि केपी के बोर्ड के लिए है, ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.1 है, क्योंकि हम स्टार्ट से जो है मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केपी के बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट से जो है शुरू कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस के बारे में ये बता रहे हैं कि इसमें कौन सा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर है और कौन सा मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर है। तो मैट्रिक्स जब एक होता है तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और जब ज्यादा हो जाए तो उसको मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स का प्लूरल है, ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और दूसरा जो है, इसका एक आसान जो है तरीका है, इसमें आपने ये देखना है कि एक मैट्रिक्स के रोज कितने हैं और इसके कॉलम्स कितने हैं। रो क्या होता है, मैट्रिक्स का रो जो हॉरिजॉन्टल नंबर होते हैं ना, आप देखें ये 2 और 3 को अगर आप देखें तो इस तरह जो हॉरिजॉन्टल नंबर होते हैं 2 और 3, ये हॉरिजॉन्टल है, और इस तरफ 0 और 5, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो है पड़े हैं ये नंबर। तो ये हमारे पास एक रो हो गया और ये हमारे पास जो है दूसरा रो हो गया। तो इसमें दो रोज है। कॉलम को अगर आप देखें, कॉलम जो है ये वर्टिकल नंबर जो है वो कॉलम कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें दो कॉलम्स हैं और दो रोज है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए, हॉरिजॉन्टली जो होते हैं उसको हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उसको हम कॉलम्स कहते हैं। तो आप देखिए, इसमें जो है 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आप जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब रोज और कॉलम्स एक जैसे होंगे। इसमें दो रोज है, दो कॉलम्स है, तो इसका नंबर इक्वल है, तादाद बराबर है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। तो इससे जो है हमें पता चलेगा कि ये 2 रोज है और अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को देखें तो इसमें देखें आप, रोज जो है ये हॉरिजॉन्टल जो होते हैं ये रोज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें 2 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं ये लाइन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ड्रा करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, देखिए ना, 1, 2 और ये 3, तो 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और हमारे पास अगर रोज और कॉलम्स की तादाद नंबर इक्वल हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 को देखें, ये है 1 रो, ये 2 और ये 3, और इसी तरह कॉलम्स को देखें, 1, 2, 3, तो इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो दोनों 3, 3 है, तो ये इक्वल है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 4, इसमें 1 कॉलम है, ठीक है, और 1 रो है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 1 रो है, 1 कॉलम है, तो इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल है, तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 5 को देखें, रोज कितने हैं, 1, कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, तो ये हमारे पास बराबर नहीं है, क्यों, रोज की तादाद तो 1 है लेकिन कॉलम्स की तादाद जो है वो 2 है, तो बराबर नहीं है, 1 और 2 है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पार्ट नंबर 6 जो है ये आपके लिए चैलेंज हो गया, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गया कि नहीं। तो ये पार्ट नंबर 6 जो है आप मुझे कमेंट पे बताएंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है।